हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है ईथर। ईथर के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, उसमें से ये देखना है कि भाई कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। बहुत कम टाइम में हम लोग कंप्लीट ईथर को फिनिश करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ROR-। देखो यहां पे R और R- का मतलब होता है कोई भी कार्बन की चेन, चाहे वो एलिफेटिक कार्बन की चेन हो या फिर एरोमेटिक कार्बन की चेन हो। और इस ROR- के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर, तो ईथर ज्यादातर लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। अब जब ईथर की हम बात करते हैं तो यहां पर R और R-R और R- की जगह आप अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, एराइल ले सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ एराइल है, और ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों तरफ अल्काइल हो या दोनों तरफ एराइल हो। और यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि R और R- जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो कोई अपने माइंड में डाउट मत रखना, जैसा आपको चाहिए वैसा आप ईथर बना सकते हो और वैसा ईथर ले सकते हो। अब ईथर में R और R- को देखते हुए हम लोग ईथर को क्लासिफाई करते हैं। जब ईथर को क्लासिफाई करते हैं तो देखा जाता है ईथर टू टाइप्स में बटा हुआ है। फर्स्ट टाइप है सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। बच्चों, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है ऐसा ईथर जहां पर दोनों तरफ कार्बन की चेन सेम हो। ऑक्सीजन से राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन सेम है, मतलब R और R- अगर सेम है, तो उसे सिंपल ईथर कहा जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनके कुछ नाम देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं वहां पे ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट में कार्बन की चेन सेम है, और यहां भी ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट में कार्बन की चेन सेम है। दोनों तरफ बेंजीन है, क्योंकि जब बेंजीन बॉन्ड बनाता है तो उसे C6H6 नहीं लिखते, उसे लिखते हैं C6H5। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाले कंपाउंड में राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मिथाइल है, तो इसका नाम होगा डायमिथाइल ईथर। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ इथाइल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डायथाइल ईथर। और लास्ट वाले एग्जांपल में आप देखो ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बेंजीन है, जब कॉमन सिस्टम में बेंजीन को लिखते हैं तो फिनाइल वर्ड यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डायफिनाइल ईथर। तो बच्चों, ये तो हो गया सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल मतलब ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट सेम कार्बन की चेन होती है। अब आते हैं अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक ईथर पे। एसिमेट्रिक ईथर का मतलब होता है जहां पे R और R- दोनों डिफरेंट हो। अगर R और R- दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग कार्बन की चेन है, तो 100% वो एसिमेट्रिक ईथर की कैटेगरी में आएगा। आप में से हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक ईथर क्या होता है, क्योंकि भैया रिएक्शन जब आप करोगे ना तो एग्जामिनर मेंशन कर देगा कि सिमेट्रिकल का करना है या एसिमेट्रिकल का करना है। तो ध्यान रखना, एसिमेट्रिक ईथर में R और R- दोनों डिफरेंट होते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, और आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ कार्बन की चेन डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखो एक तरफ मिथाइल है जो M से आता है, एक तरफ इथाइल है जो E से आता है, और अल्फाबेट में E पहले आता है या M, तो आंसर है E पहले आता है। तो हम E वाले का नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम होगा इथाइल, फिर उसके बाद M वाले का नाम मिथाइल, और लास्ट में लिख देंगे ईथर। यहां पर आप देख सकते हो एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ फिनाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है। यहां पर M वाला मिथाइल है और P वाला फिनाइल है, तो M पहले आता है, तो नाम होगा मिथाइल फिनाइल ईथर। और बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस कंपाउंड को एनिसॉल के नाम से जाना जाता है। तो आप में से हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई एनिसॉल नाम की चीज क्या होती है। एनिसॉल का मतलब होता है मिथाइल फिनाइल ईथर। वहीं पर अगर लास्ट वाले एग्जांपल को हम देखें तो एक तरफ मिथाइल M से आता है, एक तरफ प्रोपाइल P से आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, क्योंकि मिथाइल और प्रोपाइल में पहले क्या आता है उसका नाम, फिर बाद वाले का नाम, एंड लास्ट में लिखना है ईथर। तो बच्चों, कहीं ना कहीं ईथर को आपको समझना जरूरी है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब ईथर को लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आप में से हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अगर हम ईथर की बात करें, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन चेन, तो ऑक्सीजन इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिससे कार्बन चेन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव। और हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो कहीं ना कहीं नेट डायपोल मोमेंट जो है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ईथर का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो हम लोग देखते हैं कि वो होता है 110 डिग्री।
ओवरऑल बॉन्ड एंगल जो आता है वो होता है 110 डिग्री। ईथर का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, मतलब ईथर पोलार है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स और लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, दैट इज 110 डिग्री। एल्कोहल का 109 होता है, तो आप इसे जल्दी से नोट करो। हम बढ़ते हैं आगे बच्चों, क्लासिफिकेशन जैसे टॉपिक हमें हमारा बेस क्लियर करने में हेल्प करते हैं, और अब हम आते हैं डायरेक्ट प्रिपरेशन पे। तो ईथर की प्रिपरेशन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला आता है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो यार, एल्कोहल होता है ROH, एल्कोहल होता है ROH। अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है तो आपके पास होना चाहिए, या तो होना चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4, और अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो भैया टेम्परेचर भी उससे मैच करना चाहिए 413 केल्विन, क्योंकि अगर 443 केल्विन कर दिया तो अल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं मिलेगा। या फिर आपके पास होना चाहिए Al2O3, एनहाइड्रस Al2O3। तो अगर आपको अल्कोहल से ईथर बनाना है तो या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड लो या Al2O3 लो, और अगर Al2O3 लेते हो तो टेम्परेचर होना चाहिए 543 केल्विन। तो गाइज वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास एल्कोहल है इथेनॉल, और एरो पर लिखा हुआ है 413 केल्विन। तो एक बात तो क्लियर है कि जब भी इथेनॉल या कोई भी एल्कोहल लोगे और अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है, एसिड H2SO4 है, तो ईथर बनाना है। ईथर बनाने के लिए आप जो भी एल्कोहल लेते हो उसको डबल ले लो। तो एक और इथेनॉल ले लेता हूं बैलेंस करने के लिए। जब रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, मतलब यहां से निकलेगा वाटर, और जैसे ही H2O निकाल कर अलग करोगे तो फाइनली आपके पास बचेगा ईथर। कैसे बचेगा? C2H5O C2H5। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा C2H5O, और ऊपर भी बच रहा है C2H5, और ये बन गया डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर या फिर इथॉक्सीसेन। तो बच्चों याद रखना, आप लोगों को अगर ईथर बनाना है तो एरो पर टेम्परेचर जरूर देख लेना, क्योंकि 12th बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर मेंशन नहीं करा जाता कि आप ईथर बनाओगे अल्कीन बनाओगे। वहां पर अल्कोहल लिख दिया जाता है, एरो पर H2SO4 लिख दिया जाता है, और टेम्परेचर लिख दिया जाता है। अगर टेम्परेचर 443 केल्विन होता तो हम अल्कीन बनाते हैं। आपको चेक करना है तो मेरे अल्कोहल वाले वीडियोज में जाकर देखो, लेक्चर नंबर 2 में। और अगर टेम्परेचर 413 केल्विन है तो हम बनाएंगे ईथर। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है। चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद इसका एक मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म हम लोगों को देखना जरूरी है, नॉर्मली स्टूडेंट्स अवॉइड कर देते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों। जब भी आप ईथर बनाओगे तो आपके पास जो भी अल्कोहल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है C2H5OH, और आप जानते हो कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड को H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो सीधे सीधे इस एसिड के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि लोन पेयर पे माइनस चार्ज है और एच पे प्लस चार्ज है, और जैसे ये खींचेगा बनेगा, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब पहली स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है। अब सेकेंड स्टेप हम देखते हैं, तो यहीं पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो C2H5 के कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और H2O निकल जाएगा। यहां आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन विद 1 ऑक्सीजन, H2O निकल गया और ये बन गया कार्बकेटायन। हमारे पास एक और अल्कोहल है। अब क्या होता है, कार्बकेटायन बन गया, फिर फाइनली आपको पता है ईथर बनाने के लिए आपको 2 अल्कोहल लेना पड़ते हैं। पहले अल्कोहल के साथ ये पूरी कहानी हो गई, ट्रेजेडी हो गई, वो बेचारा कार्बकेटायन बनकर खत्म हो गया। दूसरा अल्कोहल आता है, कहता है भाई मैं तुम्हें बचा लूंगा, और दूसरा अल्कोहल जब उसकी हेल्प करने आता है तो यह आ गया सेकंड अल्कोहल। सेकंड अल्कोहल इस कार्बकेटायन से रिएक्ट करता है। बच्चों ये रिएक्शन की होती है स्लो स्टेप, और आप देख सकते हो स्लो स्टेप में टोटल आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स है। 2 मॉलिक्यूल जब स्लो स्टेप में है तो रिएक्शन कहलाएगा SN2 रिएक्शन, और अगर स्लो स्टेप में सिंगल रिएक्टेंट होता तो SN1 रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट है तो SN2 रिएक्शन। अब क्या होगा, इस कार्बकेटायन से ये वाला लोन पेयर जाकर जुड़ेगा तो फाइनली बन जाएगा, ये बन गया C2H5OH C2H5, ये प्रोटोनेटेड ईथर बन गया। और लास्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड ईथर अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस हाइड्रोजन को अपने से अलग कर देता है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ये हाइड्रोजन अलग कर देगा, और लास्ट में हमारे पास बन जाएगा C2H5OC2H5, दैट इज ईथर, और H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा, मतलब जैसा एसिड आपने शुरू में लिया था वैसा का वैसा एसिड एंड में रिलीज हो जाएगा। तो ये है बच्चों इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है कि जब भी आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हो तो रिएक्शन होता है बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म स्लो स्टेप ये है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। चलिए अगले मेथड पर आते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है।
विलियमसन सिंथेसिस। बच्चों विलियमसन सिंथेसिस में हम लोगों को लेना है हेलो एल्कीन या अल्काइल हैलाइड, दैट इज आर एक्स, और इसका रिएक्शन कर रहा है मेटल एल्कोक्साइड से, मतलब एम ओ आर डैश से। मेटल एल्कोक्साइड में आप मेटल की जगह सोडियम ले लोगे तो एन ए ओ आर डैश बन जाएगा, अगर आप पोटेशियम ले लोगे तो के ओ आर डैश बन जाएगा। तो आपको जो बेहतर लगे वो आप ले सकते हो। हेलो एल्केन का रिएक्शन कराना है सोडियम एल्कोक्साइड या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड से, लेकिन एक बात का ख्याल हमेशा याद रखना, हेलो एल्केन में जो भी कार्बन की चेन है R, और सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड में जो कार्बन की चेन है R डैश, हमेशा R डैश की चेन बड़ी होना चाहिए एज कंपेयर टू R। R हमेशा प्राइमरी लेना, R डैश को प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शरी ले लो, सब चलेगा। R आप हमेशा प्राइमरी लो, R डैश को प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शरी ले लो, हर हाल में ईथर बनेगा। चलिए रिएक्शन करके देखते हैं। आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास RX है, दैट इज हेलो एल्केन। इसका रिएक्शन कर रहा है सोडियम एल्कोक्साइड से, तो जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो यहां से निकल जाता है NaX, और आप NaX को अलग कर दो तो बचता क्या है ROR डैश, तो हमारे पास बच गया ROR डैश, दैट इज ईथर, तो ये आ गया ईथर। लेकिन गाइज हमेशा याद रखना, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ जो भी कार्बन की चेन है वो बड़ी से बड़ी हो सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, लेकिन हेलोजन के साथ सिर्फ प्राइमरी चेन ही होना चाहिए, अदरवाइज अल्कीन बन जाएगा, ईथर नहीं बनेगा। चलिए एक रिएक्शन करके देखते हैं। R के साथ ले रहा हूँ CH3, X की जगह ले रहा हूँ Cl, एन ए ओ आर डैश की जगह ले रहा हूं टर्शरी कार्बन की चेन। बच्चों आपका क्या कहना है, क्या यहां पर ईथर बनेगा? डेफिनेटली यहां पर ईथर बनेगा, क्योंकि आर डैश की जगह तुमने बड़ी कार्बन की चेन ली है, जो पॉसिबिलिटी में आती है, बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। तो यहां पर निकलेगा एक्स विथ एन ए, मतलब NaCl निकल जाएगा, और NaCl निकलने के बाद फाइनली हमारे पास इधर बचेगा CH3, दैट इज मिथाइल ग्रुप, फिर इसके बाद बच रहा है ऑक्सीजन विद टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन चेन। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास ईथर, इसका नाम होगा मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। तो गाइज याद रखना, विलियमसन सिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन भी होता है बाय फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म, ये भी SN2 मैकेनिज्म से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड भी कैसा सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर ऑक्साइड होना चाहिए ड्राई सिल्वर ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Ag2O। चलिए रिएक्शन देखते हैं। हेलो एल्केन है RX, सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, तो जब आप इसको हीट करते हो हेलो एल्केन के साथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड को हीट करते हो, तो यार यहां के दोनों हेलोजन इधर के दोनों सिल्वर को निकाल लेंगे, बना देगा 2AgX, और 2AgX निकाल कर आप देखो बच क्या रहा है, तो बच रहा है ROR, मतलब फाइनली हमारे पास बन गया ईथर। तो बच्चों ये 3 मेथड मैंने आपको बताया, इन 3 मेथड में से फर्स्ट मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड मेथड विलियमसन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, विलियमसन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड वाला मेथड ठीक है यार, एक बार पढ़ लो इतना काफी है, इसको आप नोट करो। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर कंप्लीट हो चुकी है, अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, और केमिकल प्रॉपर्टी में वन बाय वन बहुत आसानी से हम लोग रिएक्शंस को कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहले आता है रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप। बच्चों अल्काइल ग्रुप की वजह से ईथर एक ही रिएक्शन करता है, उसका नाम है हेलोजिनेशन, लेकिन वो हेलोजिनेशन ईथर लाइट में अलग प्रोडक्ट देता है, और डार्क में मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट में डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारे पास है डाईएथाइल ईथर। डाईएथाइल ईथर में ऑक्सीजन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है वो अल्फा कार्बन है। तो बच्चों होगा ये कि अगर रिएक्शन आप डार्क में करा रहे हो तो अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए मान लेते हैं पहले इस अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटा तो बनेगा, इसका नाम होगा अल्फा क्लोरो डाईएथाइल ईथर, अल्फा क्लोरो डाईएथाइल ईथर। लेकिन यहां पर एक और अल्फा कार्बन अभी भी बचा हुआ है जिसका हाइड्रोजन हटके हेलोजन आ सकता है, तो अगेन यहां पर क्लोरीन रिएक्ट करेगा इन डार्क, अब इस अल्फा कार्बन पे हेलोजन आ जाएगा, और फाइनली यहां पर ये बन गया अल्फा कॉमा अल्फा डाईक्लोरो डाईएथाइल ईथर। तो बच्चों अल्फा हेलोजिनेशन होता है जब आप रिएक्शन डार्क में कराते हो, लेकिन सेम रिएक्शन सेम हेलोजिनेशन अगर मैं लाइट में कराऊंगा तो रिएक्शन होगा एक्सेसिव, क्योंकि लाइट से एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स।
अगर मैं लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन एक्सेसिव होगा क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा और इतना ज्यादा रिएक्शन होगा कि सारे के सारे क्लोरीन हटेंगे और उसकी जगह सारे के सारे हाइड्रोजन हटेंगे और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा। मतलब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका फॉर्मूला है C2Cl5। पहले C2H5 था, अब हो गया C2Cl5, OC2Cl5 और इसका नाम है, और बच्चों इस कंपाउंड को कहा जाता है परक्लोरोडाइथाइल ईथर। तो आप देख सकते हो कि अगर आप लाइट की प्रेजेंस में कराते हो तो सारे के सारे हाइड्रोजन हटेंगे और उसकी जगह हैलोजन आ जाएगा, और अगर लाइट की एब्सेंस में कराते हो तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह सिंगल हैलोजन आएगा। तो बच्चों ये रिएक्शन कहलाता है हैलोजिनेशन। अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी पर। सेकेंड कैटेगरी है रिएक्शन ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन। देखो यार, ईथर का ऑक्सीजन जो होता है ना उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इस लोन पेयर की वजह से कहीं ना कहीं वो लुईस बेस का बिहेव करता है, और उससे कौन कौन सी रिएक्शन करता है वन बाय वन देखते हैं। मैं ईथर ले रहा हूं C2H5 OC2H5। सबसे पहले अगर ईथर को आपने एटमॉस्फेयर में रखा और उसने ओजोन के ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया, तो भैया एक बड़ा खतरनाक कंपाउंड बनाएगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन इस ईथर के ऑक्सीजन से जाकर मर्ज होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ईथर के ऑक्सीजन से जाकर मर्ज होगा। ये पॉसिबिलिटी तब बनती है जब ईथर को आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या ओजोन के ऑक्सीजन के साथ रख दो, तो नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ईथर के ऑक्सीजन से मर्ज होगा और बनाएगा परऑक्साइड। और बच्चों ये परऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव याद रखना आप लोग। वहीं पर अगर आपने ईथर का रिएक्शन किसी एसिड से करा दिया, देखो ईथर बेस है, अगर बेस और एसिड मिलाओगे तो डेफिनेटली सॉल्ट बनेगा। ईथर का रिएक्शन अगर किसी एसिड से करा दिया तो एसिड का सिंगल हाइड्रोजन ईथर के ऑक्सीजन से मर्ज हो जाएगा और बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से मर्ज हो गया, और आपको पता है हाइड्रोजन पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस था, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, प्लस लगाऊंगा, ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन आ जाएगा, ये बन गया ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्योंकि डाइथाइल और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कहते हैं ऑक्सोनियम, तो इसका पूरा नाम आएगा डाइथाइल, इस OH को कहते हैं ऑक्सोनियम, और ब्रैकेट के बाहर जो भी ग्रुप है उसका नाम लिख दो, ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन है तो मैंने लिख दिया क्लोराइड। तो बच्चों ये बन गया ऑक्सोनियम सॉल्ट। आप देख सकते हो ईथर के सेंटर ऑक्सीजन की वजह से या तो परऑक्साइड बनेगा या बनेगा ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ये कैटेगरी होती है कंप्लीट, बेसिक कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि ईथर के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और उससे रिएक्शन होगा, और इसमें पहला रिएक्शन तो बहुत ही स्पेशल है। हमारे 12th बोर्ड एग्जाम, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड की बात करो, ICSE की बात करो, IGCSE की बात करो, या कंपटीशन की बात करो, नीट और JEE, हर एग्जाम के लिए ये वाला रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके पास सिमेट्रिकल ईथर है और आप जानते हो सिमेट्रिकल में दोनों कार्बन की चेन सेम होती है, तो सिमेट्रिकल ईथर में, चलो मैं सिमेट्रिकल ईथर में ले लेता हूं डाइमिथाइल ईथर, और हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं HI से। जैसा रिएक्शन HI करेगा सेम टू सेम वैसे ही रिएक्शन HBr भी करेगा, ठीक है। आप HI से रिएक्शन करा रहे हो तो बच्चों होगा ये कि दोनों कार्बन की चेन बराबर है, कोई भी कार्बन की चेन, कोई एक कार्बन की चेन आयोडीन से जुड़ जाएगी, बन जाएगी CH3I, क्योंकि दोनों कार्बन की चेन सेम है। बची हुई कार्बन की चेन के साथ ऑक्सीजन भी है और इधर से बच रहा है हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3O, और पड़ोस से यहां से हाइड्रोजन मिल गया, बन गया अल्कोहल, तो एक मॉलिक्यूल बना आयोडो अल्केन का, वहीं दूसरा मॉलिक्यूल जो बना वो बना अल्कोहल का, मीथेनॉल। अगर सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ कार्बन की चेन सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, फॉर एग्जांपल दोनों कार्बन की चेन डिफरेंट है, अगर एसिमेट्रिक ईथर है जहां पे दोनों कार्बन की चेन डिफरेंट है और आप इसका रिएक्शन HI से करा रहे हो, तो बच्चों दोनों कार्बन की चेन में स्मॉलर कार्बन चेन जो है वो हमेशा हैलोजन के साथ जाकर अटैच्ड होगी, स्मॉलर कार्बन चेन हैलोजन के साथ अटैच्ड होगी और बनाएगी आयोडो मीथेन या जो भी XYZ कंपाउंड है, स्मॉलर कार्बन चेन हमेशा हैलोजन से मिलेगी, बनाएगी हेलोएल्केन, और फाइनली लार्जर कार्बन चेन जो है वो अल्कोहल बनाएगी, क्योंकि लार्जर कार्बन चेन बचेगी, ऑक्सीजन बचेगा और हाइड्रोजन बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा अल्कोहल।
तो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस रिएक्शन में अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 99.9% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एसिमेट्रिक ईथर पे। अगर एसिमेट्रिक ईथर है तो याद रखना स्मॉलर कार्बन चेन हैलोजन से मिलकर हैलोएल्केन बनाती है और लार्जर कार्बन चेन बनाती है अल्कोहल, तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत स्पेशल होगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनिसॉल है, हमारे पास एनिसॉल है और हम लोगों ने एनिसॉल को HI के साथ हीट करा, तो आपको पता है ईथर में ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट दो कार्बन की चेन है, नीचे बेंजीन है और ऊपर है CH3, तो दोनों में स्मॉलर कार्बन चेन जो है वो आयोडीन के साथ जुड़ेगी और बना देगी CH3I, और लार्जर कार्बन चेन जो कि बेंजीन है उसके पास ऑक्सीजन रहेगा और यहां से आ जाएगा H, तो ये बन गया हाइड्रोक्सी कंपाउंड दैट इज फिनॉल। तो गाइज ये रिएक्शन बहुत स्पेशल है और इस रिएक्शन को स्पेशल एक कॉन्सेप्ट और बनाता है, तो इस पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जरा आप ध्यान से देखना बच्चों। अगर आप ईथर का रिएक्शन, ये एक ईथर है जिसमें बेंजाइलिक ग्रुप, ये बेंजाइलिक ग्रुप कहलाता है भैया, ये है बेंजाइलिक ग्रुप, एक तरफ बेंजाइलिक ग्रुप है एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और उसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हो HI का, तो हमारा लॉजिक ये कहता है कि भाई स्मॉलर कार्बन चेन हैलोजन से जुड़ेगी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, अगर एक तरफ बेंजाइलिक कार्बन चेन हो या टर्शरी कार्बन की चेन हो, जैसे ये टर्शरी कार्बन की चेन है और ये मिथाइल है और अब मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं HI से, बच्चों अगर बेंजाइलिक कार्बन की चेन या टर्शरी कार्बन की चेन हो तो बेंजाइलिक या टर्शरी कार्बन की चेन हैलोजन से जुड़ेगी, क्योंकि बेंजाइलिक कार्ब केटायन और टर्शरी कार्ब केटायन आर हाईली स्टेबल। तो यहां पे स्मॉलर और लार्जर वाला कॉन्सेप्ट भगा देना, अगर एक तरफ बेंजाइलिक ग्रुप हो या टर्शरी ग्रुप हो तो बेंजाइलिक और टर्शरी को हैलोजन से अटैच करना पड़ेगा हमें, क्या बनेगा प्रोडक्ट यहां पर आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है, अगर बेंजाइलिक कार्बन की चेन हो या टर्शरी कार्बन की चेन हो तब हम स्मॉलर और लार्जर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि बेंजाइलिक कार्ब केटायन और टर्शरी कार्ब केटायन आर हाईली स्टेबल, तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल बने और इसीलिए बेंजाइलिक ग्रुप को हम हैलोजन के साथ जोड़ेंगे और अगर टर्शरी ग्रुप है तो टर्शरी ग्रुप को हैलोजन के साथ जोड़ेंगे। ये मेथड आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मेथड है, हमारे बोर्ड में और कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बनाता है, तो आप जल्दी से इसे नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। ईथर के केमिकल रिएक्शंस में लास्ट कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिसॉल। देखो यार एनिसॉल का मतलब होता है जहां पर बेंजीन हो और बेंजीन पर OCH3 प्रेजेंट हो। अब आप जानते हो कि OCH3 में जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब हम रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस करने की वजह से ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन हाईली एक्टिवेट हो जाएगी, तो भाई जो भी आने वाला ग्रुप है, जो भी आने वाला ग्रुप होगा वो पहले ऑर्थो पे जाकर जुड़ेगा और उसके बाद जाकर जुड़ेगा पैरा पर। तो चलिए इसके रिएक्शंस देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रिएक्शन मैं करा रहा हूं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन से रिएक्शन, आप हैलोजिनेशन बोल दो ब्रोमिनेशन बोल दो एक ही बात है, जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे CH2 या CCl4 की प्रेजेंस में, क्योंकि ये वो मीडियम होते हैं जो लेस पोलर होते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा कम होता है CH2 CCl4, तो रिएक्शन कंट्रोल होता है। अब जब आप एनिसॉल का रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे तो बच्चों पहले बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल एंड देन बनेगा पैरा ब्रोमो एनिसॉल, और हमेशा याद रखना पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होता है, ये बनता है 30-35% और पैरा बनता है अराउंड 65-70%, तो ऑर्थो हमेशा माइनर पैरा हमेशा मेजर। वहीं पे अगर मैं इसका रिएक्शन नाइट्रेशन कराता हूं, आप जब भी नाइट्रेशन कराओ चाहे वो किसी का भी कराओ फिनॉल का कराओ किसी का भी कराओ, आप कराते हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करते हो जहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 दोनों होते हैं। HNO3 को लिखने का एक तरीका ये भी है HONO2, तो जब भी आप नाइट्रेशन कराते हो तो गिवन कंपाउंड पे NO2 जाकर ऐड होता है, तो NO2 ऐड होगा, पहले NO2 ऑर्थो पोजीशन पे आएगा एंड देन NO2 आएगा पैरा पोजीशन पे, और आप जानते हो ऑर्थो माइनर है और पैरा मेजर है, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल पैरा नाइट्रो एनिसॉल सिंपल है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आपको लेना है हेलोएल्केन, हेलोएल्केन चाहे CH3Cl ले लो C2H5Cl ले लो C2H5Br ले लो कोई भी अल्काइल ग्रुप और हेलोजन ले लो, और जब भी फ्रीडल क्राफ्ट करोगे तो हमेशा लेना AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप कर रहे हो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जहां पे अल्काइल ग्रुप जो लेते हो ना हेलोजन के साथ वो अल्काइल ग्रुप जाकर ऐड होता है, तो पहले अल्काइल ग्रुप जाकर ऐड होगा ऑर्थो पोजीशन पे
एंड देन अल्काइल ग्रुप जाकर ऐड होगा पैरा पोजीशन पे। तो गाइज ये बन गया ऑर्थो मिथाइलेनिसोल पैरा मिथाइलेनिसोल, और इसी के साथ हमारा ईथर होता है कंप्लीट। ईथर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो में देने वाला हूं। मेरा टारगेट ये है कि पहले हम सब्जेक्टिव वीडियो कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। वन बाय वन एक एक यूनिट जो हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं, उन यूनिट्स के क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।